वेलकम टू स्टूडेंट दरबार चैनल। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल है उसके बारे में, जो करंट अफेयर से संबंधित प्रत्येक दिन नए नए जानकारी हम लोग के सामने ला करके दिखाता है, देता है, जिससे हम लोग का जीके जो होता है स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम का, जो प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे नया करंट अफेयर अपलोड करता है, और जो प्रत्येक दिन की गतिविधि, ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन या प्रत्येक दिन नेक्स्ट एग्जाम पे वीडियो आता रहता है। क्योंकि यह जो चैनल है इसके सब्सक्राइबर आपको दिख रहे हैं कि 3.82 मिलियन है इसके सब्सक्राइबर है, और अभी तक 1200 चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। यह बहुत जल्दी चैनल ग्रोथ कर रहा है क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित प्रत्येक दिन इस पर वीडियो आता रहता है, और इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, और इसके व्यूवर, कुल व्यूवर अब तक लगभग 32 करोड़ हो चुके हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, आप यदि कंपटीशन में है तो आपके लिए, क्योंकि इस पर सिर्फ करंट अफेयर से संबंधित ही जानकारी प्रत्येक दिन हम लोग के सामने 15 क्वेश्चन के रूप में आता रहता है। तो अगला जो चैनल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला जो चैनल है मिश्रा जी टेक्निकल, इस चैनल की खास बात यह है कि जितने भी करंट अफेयर हम लोग के सामने लाया जाता है यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो आपका इंग्लिश भी इसे स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन यह मिश्रा जी टेक्निकल चैनल पे आई थिंक प्रत्येक दिन जीके के करंट अफेयर नहीं आते हैं, बीच में कभी कभार 1-2 दिन स्कैप हो जाता है। तो इस चैनल को भी आप जा करके अपना सकते हैं आप करंट अफेयर अपना मजबूत करने के लिए, क्योंकि इसकी एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जितने भी जीके आपसे पूछे जाएंगे उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, जो आंसर आपके सामने दिया जाएगा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, यह इसकी क्वालिटी है। तो इसके सब्सक्राइबर है 3,98,000, और अब तक 1,000 के आसपास इस पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था, और इसके कुल व्यूवर 2,32,00,000 के आसपास इसके कुल व्यूवर हैं। अगला जो YouTube चैनल है वाई फाई स्टडी का, यह बहुत बड़ा चैनल है, इसके कुल सब्सक्राइबर 11.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और 22,000 के आसपास इस पर वीडियो अपलोड किया गया है। क्योंकि यह करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी का वीडियो इस पर अपलोड होता है, और वाई फाई स्टडी के कुल सब्सक्राइबर के साथ साथ इसके कुल व्यूवर जो हैं 1,68,00,000 इसके कुल व्यूवर हैं, और यह 2014 में शुरू हुआ था। बहुत तेज़ी से यह एजुकेशनल चैनल ग्रोथ हो रहा है। तो इस पर कुल मिला करके कहा जा सकता है जो कंपटीशन की पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, तो इस चैनल पे सभी प्रकार के वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगला जो YouTube चैनल है इसका भी IQ एजुकेशन, ये भी प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है इस चैनल पे। इसके सब्सक्राइबर आपके सामने दिख रहे हैं, और कितने वीडियो अपलोड किया गया है इसके बारे में भी आपको इस पर दिखाई दे रहा है। यह चैनल 2015 में स्टार्ट किया गया था, इसको अब तक कुल 1,18,00,000 के आसपास लोग देख चुके हैं। ये भी करंट अफेयर के साथ साथ प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड करता है। अगला जो YouTube चैनल है उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर, इस पर भी प्रत्येक विषय से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इस पर कुल सब्सक्राइबर 3.3 मिलियन है, और इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत 2012 ईस्वी में किया गया था, और इस पर कुल 36 करोड़ के आसपास व्यूवर हैं। ये भी एजुकेशनल चैनल है जिस पर प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके बाद हम अगले वीडियो के बारे में की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगला जो YouTube चैनल है एग्जामपुर के नाम से YouTube चैनल है, इसके कुल सब्सक्राइबर 3.31 मिलियन हैं, अर्थात 33 लाख से ऊपर इसके सब्सक्राइबर हैं, और 18,000 के आसपास इसमें वीडियो अपलोड किया गया है। इसके कुल व्यूवर अब तक के कुल व्यूवर 40 से 41 करोड़ हैं, और यह चैनल 2016 में बना हुआ था। यह भी चैनल बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और इस पर भी एग्जाम की दृष्टि से प्रत्येक विषय से संबंधित क्वेश्चन इस पर भी भेजे जाते हैं। करंट अफेयर से संबंधित भी प्रत्येक दिन क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तो आप इस पर भी जा करके देख सकते हैं। और एक बात और, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो करंट अफेयर से संबंधित यह चैनल आपके सामने रखा गया है, आप जा करके चैनल पर खुद मूल्यांकन कर लीजिए कुछ समय के लिए, और देख लीजिए कि कौन चैनल अच्छा क्वेश्चन अपलोड करता है, अच्छा कंटेंट अपलोड करता है, जो आपके लिए उपयोगी होगा। उसके पश्चात ही आप किसी एक चैनल को निश्चित करके आप उसको